नमस्कार मेमेघा, शुभ रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मिसल पाव बनाएंगे, एकदम महाराष्ट्रियन स्टाइल मिसल पाव। बहुत टेस्टी लगता है, सबको पसंद आता है, एकदम मस्त है। ऐसे तरी वाला मिसल पाव एकदम तीखा और स्पाइसी, एकदम मसालेदार ऐसे मिसल पाव, एकदम आसान है बनाना। देखिए सबको बहुत पसंद आएगा, अगर एक बार आप बनाएंगे ना तो इसे बार बार बनाने की फरमाइश होगी आपके फैमिली में। एकदम मस्त ऐसे टेस्टी मिसल पाव, चलो बनाना शुरू करते हैं। तो मिसल पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका चटनी बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आधा कप जितना सूखा हुआ नारियल कद्दूकस करके लिया है। इसे हम लोग एकदम मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे, थोड़ा गोल्डन कलर आने तक, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इसे भूनना है। आप इसे तवे पे या कढ़ाई में भी भून सकते हैं। तो ऐसे लगातार मिलाते हुए हमें इसे मिक्स करना है इस तरह से, क्योंकि नारियल जल्दी से जल जाता है, इसके लिए हमें लगातार ऐसे मिक्स करते रहना है। भी देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो बस हमें इतना ही पकाना है। अभी इसे हम लोग निकाल लेंगे, एक प्लेट्स में निकाल लेती हूँ मैं, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं भुनना है। बस हम लोग अभी इसी सेम तवे पे ना प्याज को भुनेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, और अच्छे से लहसुन की कलियाँ और एक इंच अदरक लिया है, इसे भी हमें अच्छी तरह से भुनना है। तो यहाँ पे प्याज और मैं लहसुन डाल रही हूँ, और अदरक के छोटे छोटे पीसेस करके डालेंगे हम लोग इसमें। और प्याज भी ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भुनना है, इसे लगातार मिलाते हुए अच्छी तरह से भुनना है हमें प्याज को भी। तो अदरक को मैं छोटे से पीसेस में कट करके डाल रही हूँ यहाँ पे। इससे क्या होता है, ये चटनी बनाने से हमारी जो मिसल एकदम ऐसे गाढ़ी और टेस्टी बनती है, उसका जो स्वाद बढ़ जाता है वो आप पूछ नहीं सकते। एक बार अगर आप बनाइए इस तरह से, हमेशा आप इसी तरह से बनाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है। तो अभी इसे प्याज को भुनने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है 1 TSP जितना, और हमें इसे थोड़े मीडियम फ्लेम पर भुनना है। एकदम मस्त ऐसे गोल्डन कलर आना चाहिए, इतना अच्छे से भुनना है हमें। जितना प्याज और को अच्छी तरह से भुनेंगे उतनी ही टेस्टी हमारी मिसल बनेगी। ये एकदम महाराष्ट्रियन स्टाइल में आपको बता रही हूँ, झटपट जैसे मिसल मिलती है उसी तरह से हम लोग ये बनाएंगे। देखिए प्याज का भी कलर अच्छी तरह से चेंज हो गया है। मेरी दिखाई हुई रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्याज हमारा अच्छी तरह से भून गया है, देखिए कितना मस्त कलर आया है, बस इतना ही भुनना है। तो प्याज को भी हम लोग निकाल लेते हैं और ठंडा करके इसे मिक्सर जार में पीस लेंगे। एकदम फाइन पेस्ट बनानी है हमें इसकी, तो मैं अभी इसे ठंडा करके पीस लेती हूँ। तब तक हम लोग इससे मटकी को, यहाँ पे मैंने मटकी ली है ऐसे स्प्राउटेड मटकी ली है, देखिए ऐसे ही हमें मटकी लेनी है। अगर आपको मिक्स कड़धान्य लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कुकर में डालूँगी, ये 200 ग्राम मैंने यहाँ पे मटकी ली है, इसे हमें कुकर में पकाना है। तो खाली एक सीटी लगाएंगे हम लोग, इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। तो मैंने अच्छी तरह से धो के ले लिया था, तो अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और एक सीटी लगा के हम लोग इसमें पकाएंगे। तो यहाँ पे पकाने से पहले हम लोग इसमें नमक और थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे। तो हाफ चम्मच इतना मैंने नमक डाला है और थोड़ा सा हल्दी, इससे हमारे मटकी की टेस्ट भी बहुत बढ़िया आती है और मिसल भी बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैं एक सीटी लगा ली है। अभी हम लोग इसमें बटाटे की जो सब्जी आती है मिसल में वो बनाएंगे, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल लिया है, उसमें हम लोगों ने लिया है हाफ चम्मच जितनी राई। राई अच्छे से तड़कने के बाद ही हम लोग इसमें हाफ चम्मच जीरा डालेंगे। और यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च ऐसे बारीक कट करके ली है 1/4 TSP जितना, मैंने यहाँ पे हींग लिया है, और एक प्याज को मैंने ऐसे बारीक कट करके यहाँ पे डाला है।
एक प्याज लिया है बारीक कट करके, और इसे हमें अच्छी तरह से भूनना है। प्याज को हमें ज़्यादा लाल नहीं पकाना है, थोड़ा सा ही कलर आने तक हम लोग इसे भूनेंगे अच्छी तरह से। देखिए प्याज भी थोड़ा कलर चेंज हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया है। अभी ये समय हम लोग इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने हाफ TSP जितना अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाला है। अभी अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमें पूरा उसका कच्चापन निकल जाने तक पकाना है। ये हमें एकदम मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। याद रखिए जितने आप अच्छे से मीडियम फ्लेम पे प्याज वगैरह पकाएंगे उतनी ही आपकी सब्ज़ी टेस्टी बनेगी। तो अभी मैं यहाँ पे इसमें हल्दी चम्मच, पाव चम्मच जितनी हल्दी ऐड की है, और ये मैंने यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। थोड़े से ऐसे हाथ से रफली क्रश करके हम लोग डालेंगे, पीसेस नहीं किए हैं। देखिए मैंने ऐसे हाथ से थोड़े रफली क्रश किया है। अभी इसे हमें स्पैचुला से ऐसे दबाते दबाते मिक्स करेंगे, और इसमें मैंने टेस्ट के अनुसार नमक ऐड किया है। और ऐसे देखिए ऐसे प्रेस करते करते हमें ये इसमें आलू को भी थोड़ा थोड़ा हल्का सा स्मैश करना है। ऐसे लगातार मिक्स करते हुए हम लोग थोड़ा थोड़ा स्मैश करते हुए आलू की सब्ज़ी ऐसे भुनेंगे धीरे धीरे। एकदम मीडियम फ्लेम पे ही हमें आलू की सब्ज़ी को अच्छे से भुनना है इस तरह से। अभी मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करती हूँ। हरे धनिया का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में। ये प्याज आलू की सब्ज़ी मिसल में डाल के इतने मसल बनती है हमारी कि अगर आप एक बार ज़रूर बना के देखिए मेरी तरीके से, आप इसी तरह से हमेशा बनाएंगे, इतनी ये टेस्टी बनती है। मिसल वगैरह के होटल में इसी तरह से मिसल बनाई जाती है, जैसे पुनेरी मिसल हो, कोल्हापुरी मिसल हो, तो उसी तरह से हम लोग मिसल बनाते हैं। तो हमारे मटकी भी अच्छे से पक गई है। देखिए ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया है हम लोगों ने, बस थोड़ा सा हल्का सा स्मैश हो जाए इतने ही हम लोगों ने मटकी को पकाया है। अभी हम लोग मटकी की मिसल बनाने लेते हैं। तो मैंने पैन पर ऑयल लिया है, ऑयल थोड़ा ज़्यादा 4 से 5 चम्मच जितना मैंने ऑयल लिया है, क्योंकि मटकी में थोड़ा ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। उसमें 1/2 चम्मच राई और 1/2 चम्मच जीरा मैंने मिक्स किया है, और 2 हरी मिर्च मैंने यहाँ पे बारीक कट करके ऐड की है। ये हरी मिर्च भी अच्छे से भून गई है। तो मैंने थोड़ा सा हींग लिया है 1/4 TSP जितना, और बड़ा प्याज बारीक कट करके डाला है इसमें, और प्याज को भी हम लोग भून लेंगे अच्छी तरह से भूनना है। अभी इसमें हम लोग ये प्याज थोड़ा सा भून गया है तो उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट इसमें अभी मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। अभी मैंने यहाँ पे एक बड़ा टमाटर इसे बारीक कट करके डाला है। आपको चाहिए तो आप इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन हम लोगों ने चटनी बनाते हुए भी ही डाला, इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जितना ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अभी प्याज टमाटर को अच्छी तरह से भूनेंगे, तो अभी उसी में हम लोग ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया ये पेस्ट भूनते हुए डालेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है मिसल में। अभी जो हम लोगों ने नारियल प्याज की चटनी बनाई थी वो ऐड करेंगे, और उसे भी अच्छी तरह से पकाएंगे। कम से कम 5 मिनट हमें ऐसे लगातार मिक्स करते हुए भूनना है। जितनी आप ये पेस्ट को अच्छी तरह से भुनेंगे उतनी ही आपकी मिसल की टेस्ट एकदम बढ़िया आएगी। देखिए कितना अच्छी तरह से हमारा चटनी अच्छे से भून गई है। तो हम लोग इसमें सूखे मसाले ऐड करते हैं। तो मैंने 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर लिया है। ध्यान रखिए अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप मिर्ची पाउडर और थोड़ा ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने पहले हरी मिर्च भी 2 ऐड की है इसमें। तीखे के हिसाब से आप इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। और मसाला अच्छी तरह से भून गया है तो हम लोग इसमें मटकी ऐड करते हैं। मटकी को अच्छे से मिक्स करना है मसाले में, ताकि पूरा मटकी में उसका मसाले का फ्लेवर उतर जाए। इसी तरह अच्छे से मिक्स करते हुए हमें मटकी को पकाना है। अभी इसमें हम लोग स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। तो नमक मैंने यहाँ पे कम थोड़ा सा डाला है, क्योंकि मटकी उबालते समय भी हम लोगों ने उसमें नमक डाला था, तो यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच ही नमक डाला है। तो हम लोग अभी अच्छे से मसाला मटकी में मिक्स होने के लिए कोट
हम लोग इसमें 10 मिनट के लिए स्टीम पे रखेंगे, लो फ्लेम एकदम मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। अभी 10 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। देखो अच्छे से उबाल आ गया है, मस्त ऐसे मटकी का पक गई है हमारी। तो इस समय हम लोग इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो आपको मिसल जितनी पतली या गाढ़ी चाहिए उस हिसाब से आपको यहाँ पे गर्म पानी ही ऐड करना है। जितना आप गर्म पानी ही ऐड करेंगे तो उसका जो ऑयल का लेयर है वो बहुत ही अच्छा आता है मिसल में। देखिए गर्म पानी करने से कितना मस्त कलर भी आया है। पानी आप आपके हिसाब से ऐड करिएगा, जितना आपको पतला चाहिए गाढ़ा चाहिए। तो मिसल तो थोड़ी सी पतली ही रहती है, इसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड किया है। बस इस तरह से हम लोग अभी इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। ये तो होममेड गरम मसाला पाउडर है, उसकी भी रेसिपी मैं जल्दी से शेयर करूँगी आपके साथ। और अभी मसाला गरम मसाला डालने के बाद हम लोग इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से उबाल आने तक पकाएंगे। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और हमें कम से कम 5 से 6 मिनट और ऐसे ऐसे उबालते हुए पकाना है। जितना पकाएंगे उतना ही मस्त ऐसा टेस्ट आपका मिसल बनेगा। तो हम देखिए कितना अच्छे से ऊपर से लेयर आ गई है ऑयल की। बस हमारी एकदम मस्त ऐसे टेस्टी मिसल रेडी हो गई है। तो अभी 5 से 7 मिनट हो गए हैं, मैं गैस बंद कर देती हूँ और मिसल हमारी रेडी है। तो हम लोग अभी सर्व करते हैं। तो प्लेट्स में पहले हम लोग लेंगे आलू की सब्जी। आलू का सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा आपकी मिसल में। तो सबसे पहले आलू की सब्जी डालनी है, ऊपर से हम लोग इसमें जो मिसल डालेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा मटकी लेंगे, उसके बाद ऊपर पानी डालेंगे मटकी का। देखिए इस तरह से जो तरी आई है ऊपर वो डालनी है, बस ऊपर से थोड़ा सा परसान इस तरह से, बहुत टेस्टी लगता है मिसल में ये परसान, मिक्स परसान। और ऊपर से और थोड़े मटकी का मिसल डालेंगे, बहुत ही बढ़िया। देखिए कितना अच्छे से तरी आया है हमारे मिसल पे, इतनी टेस्टी लगती है। और ऊपर से थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे ऊपर से हम लोग। एकदम टेस्टी ऐसे मिसल हमारी रेडी हो गई, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। इतनी ये टेस्टी पाव के साथ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइए ये आपको मिसल कैसी लगी। एकदम मस्त ऐसे टेस्टी महाराष्ट्रियन स्टाइल मिसल पाव रेडी है, ज़रूर बनाइएगा और इंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ।